गाइज ये वर्कशीट सेंटर पॉइंट को मिली हुई है, आई थिंक वर्धमान नगर के ब्रांच को मिली थी, ठीक है। ये एक रिविजन वर्कशीट है, इसी के अंदर कुछ वर्डेड प्रॉब्लम्स है, उसमें एक आखिरी वर्डेड प्रॉब्लम आधा अधूरा छूट गया है, तो एक बार के लिए अपन लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। अब गाइज ये देखो, ये वर्कशीट वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्कशीट कर ले तो आपकी पूरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, ये चैप्टर की, बट येस दिस इज़ अ गुड वर्कशीट। इसमें हम लोग वर्डेड प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे आगे, जैसा आपको बताया कि आखिरी इसमें कुछ तो भी एक गलती से आधा छोड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो प्लीज़ एक बार के लिए क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपल सा है, दो मैट्राइसेस इक्वल है। अब देखो स्टार्टिंग में ना जब सिर्फ मैट्राइसेस पढ़ रहे थे तब इशू नहीं आता था, फिर सिर्फ जब डिटर्मिनेंट्स पढ़े थोड़ा सा इशू आया, बट ठीक है। प्रॉब्लम कब आता है पता है क्या, जब दोनों साथ में आ जाते हैं, जैसे अब तुम्हारी टेस्ट जो आएगी, अब उसमें यही कैच नहीं होता है भाई कौन सा क्वेश्चन मैट्राइसेस है कौन सा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का। प्लस ये इसको देख के बच्चे डिटर्मिनेंट बोलना शुरू कर देते, कभी उसको देख के मैट्रिक्स बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, फाइन। ये तो देखो ये सिंपल सा है, दो मैट्राइसेस अगर इक्वल थे तो उनके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल थे, तो एक्स की वैल्यू तो 3 आ रही है, 3x माइनस वाई 2 तो 9 माइनस वाई 2 तो वाई की वैल्यू से आ जाएगी, वैसे ही सब कुछ जेड डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ से, कोई इशू। इसमें बस एक चीज़ समझ लो, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ ऊपर एक जगह से एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, दूसरी जगह से एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो दोनों साइमल्टेनियसली होना पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगे कभी भी, ऐसा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, पहली बात तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये चल रहा है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि बस ये इतना ही है, आप लोगों का तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 दिया गया है आप लोगों को, फेयर इनफ है यहाँ तक के। बड़ा हुआ आ गया, करके दिखाऊँ, कोई चाहता है करके दिखाऊँ, करके दिखा दूंगा फट से, एनीवन, यस। देखो मे बी मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पहला 1 + 2x + 15 हो जाएगा, दिस इंटू दिस के हिसाब से 1 + 2x + 15 तो दैट विल बी 16 + 2x, फिर ये इंटू ये 3 + 5x + 3, ठीक है, 2 + x + 2 और दिस इंटू 1, 2 and x। अब देखो 16 + 2x × 1, फिर 12 + 10x और 4x + x² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है हमारा, x² + 16x + 28 = 0, तो x − 14 × x − 2 = 0, तो x + 14 × x + 2 = 0, तो x वैल्यू या तो -14 या तो -2, फेयर इनफ। अब मैंने चल स्प्लिट कैसे किया, तो मैंने एक्चुअली आंसर देख के बनाया, ठीक है ना, वैसे वो सिंपल ही है, तो कोई स्प्लिटिंग में इशू नहीं है, स्प्लिटिंग अगर याद नहीं आई तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू ये है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट a² + xi = ya, कोई चाहता है एंड हेंस फाइंड कहते हैं ए इनवर्स, ठीक है, कोई चाहता है करके दिखाओ, मैं करके दिखा दूंगा, यस। देखो पहले तो अपन लोग a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, नाइन प्लस सेवन कितना हो जाएगा भाई लोग 16, 3 + 5 21 + 35 56 और 7 + 25 ये हो गया तुम्हारा a², फाइन। प्लस एक्स आई करना है मुझे, तो बेसिकली हो जाएगा 16 + x, ये तो रह जाएगा 8, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 32 + x, ठीक है ना, तो ये मेरा LHS हो चुका है, इज इक्वल टू y × a, तो बेटा उससे हो जाएगा 3y, y, 7y, 5y। अब यहाँ से सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ रही है 8, यहाँ से भी y की वैल्यू 8 आ रही है, तो मेरी फाइनली y की वैल्यू तो 8 डिसाइड हो चुकी है यहाँ के लिए, फाइन। अब इसके बाद में मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, दिस इज 24, 16 + x = 24, तो x की वैल्यू 8 दे रहा है, यहाँ से भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 40, यहाँ से भी x की वैल्यू 8 दे रहा है, तो x भी 8, y भी 8, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा दोनों के दोनों इक्वल आए। अब देखो
ये यहाँ तक तो ठीक है, आप लोगों ने ये एक्स और वाई के लिए निकाल दिया तो ए स्क्वायर प्लस एट आई इज इक्वल टू एट ए हो रहा था। अब ये आप लोगों से ए इनवर्स की वैल्यू मांग रहा है। नाउ वी हैव टू गो टू डिटर्मिनेंट्स। हम लोगों ने ऐसे डिटर्मिनेंट्स में इनवर्स वगैरह निकालना सीखा था क्योंकि, बट डिटर्मिनेंट की कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। अब ये ऐसा क्वेश्चन ना आप लोगों के अब भी रिसेंट इसमें टेस्ट में भी था, ठीक है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने ट्यूशन टेस्ट दिया था, कई बच्चों को आया नहीं था, तो एक बार देख लो इसके आगे का। अब देखो ये ए इसको एक साइड लाया, इसको इस साइड लेके आ गया मैं, तो ए स्क्वायर माइनस एट ए इज इक्वल टू माइनस एट आई हो गया। चलो यहाँ से मेरा ए कॉमन निकला तो ए माइनस एट ये आई रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो ए माइनस एट आई इज इक्वल टू माइनस एट आई। अब मैंने ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, मतलब ये ऐसा वाला, ठीक है, तो देखो उससे क्या बन जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, ए इनवर्स ए ए माइनस एट आई इज इक्वल टू माइनस एट ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है मेरा, आई हो जाता है, ए माइनस एट आई इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए इनवर्स ही होता है। अब वहाँ का ब्रैकेट मैंने अगर ओपन किया तो ए माइनस एट आई इज इक्वल टू माइनस एट ए इनवर्स, तो इसको 1 ओवर 8 टाइम्स a माइनस एट आई इज इक्वल माइनस 1 ओवर 8 ये हो जाएगा। अब माइनस 1 ओवर 8 मेरा a की वैल्यू कितनी थी, 3175 ना, 3175 माइनस 8 आई 8008 इज इक्वल टू a इनवर्स चलेगा, तो माइनस 1 ओवर 8 टाइम्स 8 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5 1 7 माइनस 3 ये दिस इज ए इनवर्स। तो माइनस 1 ओवर 8 को अंदर डालना नहीं पड़ेगा क्या, डालोगे चल जाएगा, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, समझा ये चीज़। नहीं नहीं हेंस लिखा है बच्चा, हेंस फाइंड ए इनवर्स क्लियरली उसने वाला है वो, उसका ऊपर का यूज करके देखो निकालना पड़ेगा, तेरा ए इनवर्स सही भी रहे तो भी देखो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा लोग, एग्जैक्टली सिमिलर ऊपर है जैसा, रादर सिंपलर है उससे, हाँ बस एक ये देख लो, ये ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन का मतलब बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ये शो करना है। फिर a इनवर्स निकालना है तो 42 को उधर भेजूंगा मैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 42, 42 को 42 आए बोलो या जो भी बोलना है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 42, फिर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हट जाएगा मेरा, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 42 ए इनवर्स, तो देन ए प्लस 4 4 मतलब 4 आई रहेगा, 1 ओवर 42 इज इक्वल टू ए इनवर्स। बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है इनवर्स निकालने का एग्जाम में एक्सपेक्ट करना आएगा तुम्हारे, अभी जो तुम लोगों को कल यानी परसों की टेस्ट रहेगी उसमें भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। फाइन क्वेश्चन नंबर 5 ये एक बार देख लीजिए बच्चा लोग, ये ऐसे प्रॉपर्टीज के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। शो दैट बी डैश होना चाहिए था, वो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है, पहले तो सिमेट्रिक याद है क्या होता था, अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक, और अगर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज तो स्क्यू सिमेट्रिक। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी थी हमारी ए बी का डैश इज गोइंग टू बी डैश ए डैश, ठीक है ना, तब ये देखिए, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे को ए पता नहीं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने लिख दिया लेट पी बी इक्वल टू बी डैश ए बी, दोनों जगह पर ट्रांसपोज लिया मैंने तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज चलिए बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, अब बी डैश का डैश वापस है बी हो जाता था, क्यूटी पे भी ध्यान दे, ठीक है। अब देखो अब यहां से मैं दो केसेस ले रहा हूं, इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए डैश विच इम्प्लाइज पी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डैश ए बी, क्योंकि पी डैश इज इक्वल टू पी हो जाएगा तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और वो नहीं तो फिर इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए सेम हो जाता है, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो इम्प्लाइज पी डैश विल बी
बी डैश माइनस ए बी की माइनस बी डैश ए बी विचुअली माइनस पी, तो हेंस क्यू से मेट्रिक तुम्हारे बुक का ही है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ मैट्रिक्स हैज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट्स अ प्राइम नंबर, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कोई तो भी प्राइम नंबर है, तो बताओ कितने ऐसे मैट्रिसेस बन सकेंगे जिसमें वो वाला प्राइम नंबर के एलिमेंट्स हो। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। याद है आप लोगों को अगर 8 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में तो आपके क्या क्या ऑर्डर के बनते थे, 1 × 8 या 8 × 1, 2 × 4 या 4 × 2 वाले। अब ऐसा कोई प्राइम नंबर है, मान लो 3 है तो 1 × 3 या 3 × 1 का ही बनेगा, तो ऐसे अगर क्यू कोई प्राइम नंबर है तो उसका ऑर्डर 1 × क्यू या 3 × 1 वाला ही बनेगा। समझा ये चीज़ क्या बोलना चाहता मैं। जैसे सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये MCQ में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को अपने, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, फाइंड इसकी वैल्यू। नाइस क्वेश्चन अगेन। ये देखिए पहले ही बात अपन लोग थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। बेटा मैट्रिसेस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें इंस्टेड अच्छा रिफ्लेक्शन से क्या क्या, हाँ फिर ठीक है नहीं क्या, तो फिर कैसे हेड डाउन कर रहा था और देख रहा था यहाँ पे। हाँ योगा डे है आज, बट ये अलग अलग योगा होता बेटा। ये ध्यान दो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये रटना नहीं पड़ता है, रट जाता है अपने आप, बट इसमें सिंपली क्या करते हैं अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये। बट अब यही अगर मान लो ए प्लस आई का होल स्क्वायर है तो डायरेक्टली अपनी जो आइडेंटिटी ये ऐसी वाई थी ना वैसी लगा लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ai, कोई इज्जत नहीं आई को अभी, आई स्क्वायर स्क्वायर कोई इज्जत नहीं। समझा ये चीज़ आप लोगों को। 1001 अगर 2 का है तो 1000100001 अगर 3/3 का ऑर्डर है तो उसका स्क्वायर भी सेम ही रह जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक बार ये देखिए बच्चा लोग, मुझे ऑर्डर तो नहीं पता है बट ये आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस 2ia प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a था। अब देखो ये रुझे काम करो ना, आई बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर ही है, ये कट गया इक्वल्स टू आई, ठीक है। अगेन ये MCQ छाप क्वेश्चन था, कोई इज्जत नहीं है क्वेश्चन की। गाइस क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब मुझे गिवन में क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। मुझे प्रूफ क्या करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो लेट पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो पी डैश कितना हो जाएगा मेरा, ए बी माइनस बी ए का डैश, जो कि हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश जगह बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, जो कि हो जाएगा बी डैश बी के बराबर था ए डैश ए के बराबर था, तो ये हो गया। इससे माइनस कॉमन निकाला मैंने तो ए बी माइनस बी ए जो कि हो रहा है माइनस पी के बराबर, तो पी डैश हो गया माइनस पी के बराबर, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा। चलो अभी गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 8, कोई इशू इसमें पक्का ना। ये देखो आई थिंक ये भी तुम्हारी बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन छापा हुआ है, इसमें से भी ऐसे पैटर्न का एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके स्कूल के एग्जाम में एक्सपेक्ट करना, मेरे अभी परसों के टेस्ट में 2 एटलीस्ट एक्सपेक्ट करना है वाले। हाँ अच्छा तुम लोग थोड़े लेट आए थे, परसों आप लोगों की मैट्रिसेस के ऊपर टेस्ट होने वाली है, सिर्फ मैट्रिसेस नहीं, संडे को तुम्हारी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों पे रहेगी, ये वाले नहीं वो जस्ट एग्जाम के पहले संडे पे, ठीक है। ये देखो आप गाइस नॉट रियली वर्किंग ओवर क्वेश्चन नंबर 9 अनलेस समवन वांट्स मी टू क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन देखो चाहिए। हाँ देख ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बच्चा, तो बेसिकली वो बन जाएगा तेरा लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। यहाँ पे 2 × 2 वो किया बेटा मैंने तो 2 4 6 −2 − 6 4 4 10 4 2 14 याद है क्या, ठीक है बेटा। अब मैंने इन दोनों को लेफ्ट साइड वाले को अगर ऐड किया
तो 2 + λ 4, 2 λ + 6 सॉरी, 3 λ - 2, 4 λ - 6, 5 λ + 4 इज इक्वल टू, वो ऊपर वाला हो जाएगा, एक एक सबसे छो से निकाल देखा लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर एक में भी अलग कुछ लैम्डा की वैल्यू आई तो कोई लैम्डा की वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं थी, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देख लीजिए बेटा। अभी आप लोगों को एक्स मैट्रिक्स ढूंढना है सच दैट जो दिया गया है, तो कुछ नहीं इसमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ये फर्स्ट सब पार्ट का ये क्या उसने गलती से लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू -2a - b, ये बन गया है। अब डालोगे जैसा पिछले ऊपर का क्वेश्चन था उससे आंसर आप लोगों का आ जाएगा। सेकेंड सब पार्ट भी देख लो, वैसे ही करना रहेगा आप लोगों को। अच्छा नहीं, सेकेंड सब पार्ट है, ये नीचे दिया गया है, आपको वही x की वैल्यू ढूंढना है सच दैट ये है। कुछ नहीं, 3x = 58a, वो 58a नहीं होना चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं b होना चाहिए यार क्वेश्चन के अंदर, अपन मान लो 58b था, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 58b - 2a, तो a की वैल्यू तो होल बाई 3 हो जाएगी। पहले 58 × b करोगे आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 × a करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट करोगे स्केलरली, यानी स्केलरली नहीं वो सब्ट्रैक्शन का, फिर 3 से डिवाइड करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ख़त्म, वो तुम्हारे x की वैल्यू दे देगा। अब गाइस ये 11th वाला, ये देखो एक बार ये वाला करके दिखा रहा हूँ मैं, पहले मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो a प्लस बी बन रहा है मेरा, वैसे हो जाओ क्यों करूँ मैं a प्लस बी की वैल्यू क्यों निकालूँ, देखो इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, मेरे को शो दैट नहीं है, मेरे को बोला है ये इससे इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी है तुम्हारे को स्मॉल a एंड स्मॉल b, इसको एक्सपांड करूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, कट गया, ये ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब कुछ नहीं, ए इंटू बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा मैं पहले, तो और ये ए माइनस बी ये हो रहा है 1 + 1, 2a - b 2 + 1, ये हुआ ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू। अब ठीक है ना, मेरे को ऐसा वहाँ से देखे बिना इन्हें लिखे बिना नहीं जमेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ वापस से, a प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 2 माइनस बी प्लस 1। अब देखो माइनस साइन को जब मैं अंदर डाल दूँगा, a माइनस बी 2 2a माइनस बी 3 माइनस ए माइनस 2 a प्लस 1 माइनस बी प्लस 2 बी माइनस 1। देखो यहाँ से मेरे a की वैल्यू वैसे 1 आ रही थी और b की वैल्यू मेरी 4 आ रही थी, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं डाल के देखूँगा तो मेरे वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखो 2a - b इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 2 कटा कटा, हाँ a की वैल्यू अभी भी 1 आ रही है, b की वैल्यू ऊपर से 4 ही आ रही है, तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, तुम्हारा आंसर आ गया है। दैट वॉज 11th क्वेश्चन गाइस। 12th वाला आप देखिए, इफ ये -1 लिखा गया है, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट, ये ऐसा कुछ तो भी है। अब बेटा वो x इंटू आई अगर है तो x इंटू आई का मतलब सिंपल सा क्या होता है, x ही होता है, हो गई बात तेरी फोन पे, अच्छे से हो गई बात, क्या बोली वो तेरे से, पार्सल वाले भी इतने अच्छे से बात करते क्या, पार्सल वाले ही तेरे से अच्छे से बात करते हैं, सॉरी ध्यान दे देना मेरे भाई, क्या मंगाया अभी, हाँ प्रोटीन, प्रोटीन शेक मंगाया क्या तूने, अब ये देखो गाइस ये x इंटू आई अगर सही चीज लिखी हुई है तो दैट इज सिंपली x, ठीक है ना, ये x प्लस y इंटू a, बेटा अब ये y, अरे यार एक सेकंड हो गया मेरे को कुछ गलत लग रहा है, ये पता नहीं क्यों, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अच्छा नहीं ठीक है फाइन, x इंटू आई जो है ठीक है, तो x हमारा सही लिखा है वो चीज़, सॉरी
तो ये x का मतलब ये हो जाएगा, x i का मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। y इंटू ए का मतलब हो जाएगा 0y माइनस y 0, ठीक है। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो एक काम करते इसको सॉल्व करते, एक्स y माइनस y x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इसका होल स्क्वायर मतलब ये इंटू ये, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और ए की वैल्यू कितनी थी मेरी 0 1 माइनस 1 0। मल्टीप्लाई किया बेटा मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। देखो ये इक्वल टू जीरो अगर हुआ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर आई है, तो बेटा एक्स की वैल्यू या तो वाई या तो माइनस वाई के बराबर है। इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वन हो रहा है। अब देखो, अब प्लीज़ ध्यान देना थोड़ा, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं बोलूँ इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई रूट टू या फिर माइनस वन बाई रूट टू, तो वाई की वैल्यू भी वही आ जाएगी मेरी। और वही अगर मैं बोलूँ इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेटा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये ऑप्शन ही रिजेक्ट हो गया, तो ये चीज़ इक्वल नहीं हो जाएगी। तो एट दी एंड तुम्हारा आंसर आएगा x की वैल्यू 1 बाई रूट टू एंड y की वैल्यू 1 बाई रूट टू, या फिर x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट टू एंड y की वैल्यू भी माइनस 1 बाई रूट टू। फेयर इनफ है, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 13। एक बार के लिए 14 आप लोग मन में पढ़िए। अब देखो ये इतना अच्छे से जो लिखा हुआ है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ a प्लस बी और a प्लस टू, और y का ऑर्डर कितना है बेटा b प्लस वन एंड a प्लस थ्री। x इंटू वाई अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इससे इक्वल हो रहा होगा, तो a प्लस टू इज इक्वल टू b प्लस वन, और बाद में हो रहा है y इंटू x भी एग्जिस्ट करता है, तो ये और ये इक्वल हो रहा होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस थ्री, तो b की बेसिकली वैल्यू 3 आ जाएगी इससे, बी जैसे ही 3 आ गया है तो ए की वैल्यू 2 हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड का मतलब क्या हो जाएगा, क्या उनका ऑर्डर सेम है क्या, तो नहीं, एक्स वाई और वाई एक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। आर दे इक्वल, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। एक सेकंड क्या ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 है ना, तू क्या होता बच्चा, एक सेकंड क्या बच्चा, अपन लोग 14th क्वेश्चन पे, वो फास्ट है थोड़ा सा, ठीक है। देखो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, तो इसका ऑर्डर आ रहा है 5 × 4, नहीं हाँ, और वो आ रहा होगा 4 × 5, हाँ, तो ये नहीं, ये दोनों a इंटू बी तुम्हारा ऑर्डर देगा 5 × 5, बी इंटू ए तुम्हारा ऑर्डर 4 × 4 दे देगा, यानी x इंटू वाई तुम्हारा कुछ ऑर्डर देगा, y इंटू एक्स तुम्हारा ऑर्डर ही अलग देगा, तो दोनों इक्वल भी नहीं है और सेम टाइप के भी नहीं है। क्वेश्चन 15 सिंपल सा है गाइस, एक बार देख लो, वो सिंपल से दो इनको इक्वेट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, कौन सा वाला रहेगा बेटा, सिंगल एलिमेंट वाला, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स, जो कि कॉलम मैट्रिक्स भी है। डायगनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स, 1 0 0 0 8 0 0 0 9, ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 1 0 0 1, कुछ भी लिख सकता है, 1 तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, कुछ भी लिख सकता था मैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, ये वाला अगेन आप लोगों के बुक का ही है, 2x प्लस वन और x प्लस थ्री अगर इक्वल है तो x की वैल्यू वहाँ से 2 आ रही है, फाइन, 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 अगर हो रहा है तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2y, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
इसमें तो वाई की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है बेटा, रियल यानी वो नहीं आ रही है, तो वाई विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे 2a, तो 2a तो कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है इसके अंदर, ठीक है ना गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, वो सिंपल सा है, 18th, 19th, 20th, ये सब की सब सिंपल से है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो दिव्या बेबी, मोबाइल में नहीं यहाँ पे। अब गाइस 21st क्वेश्चन देखना शुरू करो, अब यहां से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वगैरह जो मैट्रिसेस के जो रहते हैं वर्ड फॉर्म्स वो शुरू हो रहे हैं। इन अ सर्टेन सिटी देर आर 30 कॉलेजेस, इन ईच कॉलेज देर आर 15 प्यून्स, 30 कॉलेज, ईच कॉलेज हैज 15 प्यून्स, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर, एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन इन कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये ए था, फाइन, अब उसमें क्या क्या है, 15 प्यून, 6 क्लर्क, 1 टाइपिस्ट, 1 सेक्शन ऑफिसर, ख़त्म। अब मुझे क्या बोला है नेक्स्ट, इसमें ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब अगर ये नंबर 150 करूँगा मतलब वहाँ पे 150 प्यून्स है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, अब क्या हो रहा है, उसके आगे ये भी बोल रहा है कि ये जो 30 कॉलेजेस थे उसके हिसाब से मुझे शो कर दो, तो कुछ नहीं 30A करना पड़ेगा मुझे, तो 30A में सबको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, 450 180 30 30, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाया, आप चाहते हैं आप रो मैट्रिक्स भी बना सकते हो, कोई पाप नहीं है उसके अंदर, 15 6 1 1, ये तुम्हारा ए हो रहा है, फिर 30 है तुम लोग उससे बना सकते थे, ठीक है। 22nd वाला आप देखिए बच्चा लोग, ये देखो एक समझो, ये 22nd वाला जो ऊपर टाइप में किया था ने वैसा ही है, 23rd पर आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अब देखो ओए प्लीज प्लीज अब आते नहीं। अब देखो गाइस ये वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्टी आना शुरू होती है, ठीक है। अब अपने को मैट्रिक्स के इसमें रिप्रेजेंट करना है, तू कहाँ हो गया था। अब देखो दो फैमिली थे ए और बी, ठीक है, पहले अपन ए की बात करें, 4 मैन, 6 वुमेन, 12 चिल्ड्रन, ठीक है। अब उन लोगों को कितने की रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन फॉर कैलोरीज इज इतना फॉर मैन, इतना फॉर वुमेन एंड इतना फॉर चिल्ड्रन, 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर मैन, 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर वुमेन एंड 33 ग्राम्स ऑफ कहते हैं प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन। तो देखो रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए कैलकुलेटर, टोटल रिक्वायरमेंट कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज, वो भी ठीक है। अब देखो पहले तो मैं पहले सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, 4 मैन, 6 वुमेन, 12 चिल्ड्रन। अब देखो ये 4 कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए था मेरा 24 से, 6 का ऐसे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, अरे बाप रे 19,000, अलग मोटे हो जाओगे बेटा, 1900 रहना चाहिए था वो, और ये चिल्ड्रन के लिए 1800, तो ये होना चाहिए था 4,2400 से, ये 1900 से और ये 1800 से। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर एक ये ऐसा बनाया है तो मल्टीप्लिकेशन में दूसरा ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे, 2400 1900 एंड 1800, इससे आप लोगों का क्या आ जाएगा, वो फैमिली के प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अब आप सही कैलोरी रिक्वायरमेंट, अब आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी चाहिए थी, तो उसके बाद में मैंने प्रोटीन्स लिख दिया, कितना कितना लगने वाला है, 45 55 33, बट ये तो सिर्फ फैमिली ए के लिए हुआ। हाँ बेटा हाँ एक समझा एक समझा, अब मुझे फैमिली बी के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो फैमिली बी वही आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो वही तो उसने मांगा है कि मुझे कहते हैं टोटल रिक्वायरमेंट जो चाहिए उसका बताओ, ठीक है। हाँ सरीना आई विल बी कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरी फैमिली जो है उसके अंदर कितने हैं, 2 मैन 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। तो अब देखो जब मैं ये पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा तो फैमिली ए का बेटा युग ये वैसे ही नहीं आता अपने को, और एग्जाम में आता है ये, इसलिए ध्यान दे दो, एंड देखो आता अच्छे से, ठीक है फाइन, यू विल एक्सप्लेन। हाँ ठीक है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 आई विल बी वेटिंग। बच्चे लोग यहाँ पे देखो एक बार, मैं एक बार वापस से ला के दिखा रहा हूँ,
ये जो चीज़ थी, अगर मैं कॉलम यहाँ का रो वन और यहाँ के कॉलम वन को मल्टीप्लाई करूँगा, यानी जो मेरा आंसर जो 2x2 का मैट्रिक्स आएगा उसका एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाला, तो मैं फर्स्ट फैमिली का कैलोरी रिक्वायरमेंट बताएगा। जब मैं ये मल्टीप्लाइड बाई ये करूँगा तो उसका फैमिली ए का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताएगा। फिर जब मेरा ये वाला मल्टीप्लाई हो गए तो फैमिली बी का कैलोरी रिक्वायरमेंट बताएगा, और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो फैमिली बी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग वापस से देख रहे हैं। देख सरीना, तुझे बेसिकली करना, ये फाइनल आंसर दिया गया ठीक है ना बाय द वे। अब देखो सरीना, तुम्हें क्या दिया गया बच्चा, दो फैमिलीज दी गई है ए एंड बी, उन लोगों का कैलोरी रिक्वायरमेंट बताया गया और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताया गया तुझे। तूने पहले बोला कि चलो अपन फैमिली ए की बात करते हैं, उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट करते हैं। तो मुझे देखो फैमिली ए में क्या है बेटा, चार मैन है, छः वुमेन है और 12 चिल्ड्रन है। इनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसा हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय मैन को चाहिए 2400, वुमेन को चाहिए 1900, वो 19000 गलती से लिखा हुआ है, और ये चिल्ड्रन को चाहिए 1800, करेक्ट। तो दिस शुड गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन दिस बाय दिस एंड देन दिस बाय दिस, उनका सम आना चाहिए, करेक्ट। तो मैं इसको रो और इसको कॉलम बना लूंगा तभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता था। तो उस हिसाब से मैंने मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो देख यहाँ पे पहले मैंने लिखा ये हो गए फैमिली ए के पिल्ले, और उसे क्या है रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे 2400, 1900 और 1800, फेयर इनफ। फिर मुझे बताया इनका मुझे प्रोटीन, ये कैलोरी रिक्वायरमेंट है सॉरी, अब मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी चाहिए। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेरे मेन में कितना है, 45, ये 55 और ये 33। जब मैं ये और ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फैमिली का मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, फेयर। और वैसे अब मैं फैमिली बी भी चाहता हूँ, तो मैंने फैमिली बी के भी लिख दिए कौन कौन कितने कितने। जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो फैमिली बी का मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे फैमिली बी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला हो। यू डोंट हैव टू रियली राइट दिस थिंग इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो करने के बाद तूने ये लिखा है सो दैट यू नो किसको कितना क्या रिक्वायरमेंट है, फेयर इनफ। हाँ, अब अपन लोग आ रहे हैं 25th पे, 24th उग जाओ। हाँ तो फिर ध्यान दे पागल। अब देखो एक बार 24th पढ़िए बेटा, एक बार मन में पढ़ लीजिए। ये आई थिंक सो आरडी में तो पक्का से है, और बुक में भी है क्या वो, जो मैंने तो पीडीएफ जो बनाई थी मैंने तो आरडी से छापी हुई है पूरी करी। एक्चुअली आई थिंक एमएल अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, दो तीन ही थे बस एक्सरसाइज और ये मिला के, बट नॉट श्योर। तुम लोगों को आरडी शर्मा का जो मैंने पीडीएफ वगैरह जो बना के डाला था उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना बच्चा लोग, ठीक है ना। अब देखो, अ ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ए पेस 10% ऑफ इंटरेस्ट एंड बी पेस 12% ऑफ इंटरेस्ट, तब ट्रस्ट को 2800 रुपये मिले। बट अगर मान लो इन लोगों ने इंटरचेंज कर दिया होता तो उन लोगों को 100 रुपये का मतलब 2700 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो अब देखो अपन ये मान लेते हैं कि उनका में एक्स एंड वाई रुपीज़ है। पहली बारी में उन्होंने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया था काय में, ए में, और वाई रुपीज़ किया था काय में, बी में। तब ऐसा मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 10% हो जाना चाहिए था, यहाँ पे एक्स का 10% रिटर्न था ना शायद से, हाँ, और y का 12% रिटर्न हो जाना चाहिए था उसने, करेक्ट। तो x इंटू 10% प्लस y इंटू 12% अगर मैं करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1800 रुपये, ये जो भी दिया होगा 2800 रुपये आ जाएगा। बट फिर बाद में मैंने इंटरचेंज किया, मतलब अब मैंने x 12% वाले में किया है और ये मैंने 10% वाले में किया है, तो उससे आंसर मेरा कितना 2700 रुपये आ जाना चाहिए था, करेक्ट। तब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है, 0.1x प्लस 0.12y, और ये बन जाएगा मेरा 0.12y प्लस 0.12x और 0.1y, ये मैट्रिक्स बन रहा है जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है। पहले वाले में मुझे 2800 रुपये मिले थे और दूसरे वाले में मुझे 2700 रुपये मिले थे, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है वो पगले पने में जाने की, 15,000 10,000 बोल रहे मुझे आइडिया नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की, क्या बोलते हैं इसको,
तुमने जो डिटर्मिनेंट्स में सीखा है टू इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने गंदे तरीके, वहाँ पर जाने कोई जरूरत नहीं, क्रेमर्स बोलो या फिर मार्टिन बोलो, तुम नॉर्मल तरीके से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन 25th, क्योंकि 26th आधा अधूरा क्वेश्चन गलती है छपा है, वो आई थिंक उसके पीछे भी एक पेज होना चाहिए था, रह गया, कोई बात नहीं, होता है। पढ़ लिया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा डिलीवरी बॉय को थैंक यू मैसेज कर रहा है तू, थैंक यू सी यू सून। ये कौन सी डिलीवरी सर्विसेज है बेटा जो जितने प्यार से तू उससे बात करता है? मैं सोचा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जितना तू उसको अटेंशन देता है मेरे को भी वहाँ दे देना। अच्छा फिर ठीक है, मतलब अभी भी डिलीवरी बॉय से बात कर रही थी। क्या था मेरे ग्रुप का मैसेज? याने पता नहीं कितने इंच की है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ 30-35-40 इंच की जो टीवी है वो कम पड़ गई है उसको, तो मोबाइल में बजा हुआ देख रहा है बंदा हमारा, यहाँ देख डाउनलोड भी नहीं किया अभी तक है। अब देखिए गाइस, तीन फॉर्म्स है ए बी एंड सी, 40, 35 and 25 ट्रक्स ऑफ स्टोन, 10 ये सैंड इतने सप्लाईड, ओके एक कॉन्ट्रैक्टर को ए ने इतना, बी ने इतना, सी ने इतना स्टोन्स, वापस ए ने इतना, बी ने इतना, सी ने इतना सैंड प्रोवाइड किया था। इफ द कॉस्ट ऑफ स्टोन इज 1200 एंड सैंड इज 500 पर ट्रक, बताओ टोटल कितना भरना पड़ा? तो देखो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ए फॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ। तो ए फॉर्म को कितना पैसा देना पड़ेगा उसे? 40 × 1200 प्लस क्या है 10 × 500, करेक्ट। तो देखो मैंने पहले 40 यहाँ लिखूँगा, 10 यहाँ लिखूँगा, और इसका कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए था वो, तो 1200 और 500 से। तो देखो ये इससे तुम्हारा ए का कॉस्ट आ जाएगा, तुम्हारा ये इंटू ये करोगे ए का कॉस्ट आ जाएगा। अब बी वाले के लिए 35 और 5, ये इंटू ये करोगे बी को जितना पैसा देना है, और सी वाले के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 25 और 8, दिस इंटू दिस करोगे सी का आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ भाई नहीं, मैट्रिक्स में तो अलग अलग ही बनाना पड़ता, तो मज़ा आ गया फिर तो, समझा कोई चीज़ नहीं नहीं मिलेगा मार्क्स अलग 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 तीन तुमने बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा पक्का से, ठीक है ना गाइस? आई होप दिस इज हेल्पिंग यू, बट द बेस्ट हेल्प विल ओनली बी वंस यू सॉल्व दिस। लकीली कुछ इनके राधा 90% के आंसर्स दिए गए हैं, और आप लोगों को जो मैंने PDF बना के दी थी वर्ड प्रॉम की बहुत पहले सूडा, वो भी डाउनलोड कर लेना इस बार, मोबाइल में देखना बेटा कहाँ दूसरी ट्यूशन है, डिलीवरी बॉय से मिलने आना। देखो ये डिलीवरी बॉय से मुझे भी मिलाना बेटा, ठीक है ना? मम्मी से तो मिला चुका होगा तू अभी तक के, मुझसे ही मिला देना, मैं ही पूछता हूँ। गाइस ये प्लीज़ कर लीजिएगा। अब सुनो ओए, ओवर हियर वी आर थ्रू विद मैट्रिक्स वाला भी, जो वर्डेड प्रॉब्लम्स जो एक हमारे बचे हुए थे, फाइन। तो मैं वीडियो के सीरीज़ में इसका वो नेक्स्ट नंबरिंग में डाल दूंगा,